सबसे पहले मेरा मीडिया को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, बॉलीवुड की बातों को मेरा दिल से मेरा प्रणाम, और हैदर भाई उनके एडिटर हैं, उनको दिल से मैं नमन करता हूँ। आज मुंबई में एक फिल्म की निर्माण होने जा रहा है, आज से हमारा शुरुआत होने जा रहा है, और एक गोरखपुर में ये शूटिंग है अगले महीना। हाँ दोस्तों, गोरखपुर हमारे सबके प्यारे गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोरखपुर में अगले महीना से एक बेहतरीन फिल्म शुरू होने जा रहा है। उनकी पूरी विस्तार हमारे राइटर साहब जो हमारे सऊदी से आए हैं, सऊदी में वो काम करते थे लेकिन आज वो इस फिल्म को बनाने के लिए सऊदी से यहाँ पर आए हैं, वो आप बताएंगे। उसके साथ साथ में इस फिल्म के कुछ स्टार यहाँ पर आए हैं, मैं सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, इस फिल्म को मैं इसमें एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फिल्म के अंदर गेस्ट एंड अपीयरेंस हूँ, जो फिल्म के एंडिंग में आते हैं और सभी को खुशहाली दे के जाते हैं। मैं उसका निर्माण मतलब वो उसमें काम कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं यूपी से, गोरखपुर से, तमाम लोग इसमें काम कर रहे हैं, मुंबई से अच्छे अच्छे हीरोइन जो हमारे हमने सेलेक्ट किए हैं यहाँ से वो जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये तमाम जो विस्तार से बात करेंगे हमारे यहाँ पे कुछ कलाकार जो गोरखपुर से आए हैं जो इस फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग वो जुड़े हैं, अपने अपने बात को रखेंगे। मैं चाहता हूँ थैंक यू सो मच, मीडिया को दिल से धन्यवाद करता हूँ, और किसी को भी काम करना है इस फिल्म के अंदर वो काम कर सकते हैं। बढ़िया खूबसूरत पारिवारिक फिल्म है और शूटिंग अगले महीना गोरखपुर में होने जा रहा है, उसके कुछ स्टार हमारे साथ में, प्लीज़ अपना बात रखें। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरे तरफ से नमस्कार। हम लोग बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जो गोरखपुर से है, और साथ ही साथ मुंबई आने का हमारा एक रीज़न है जो हमारे सर जी हैं कल्याण जी। मैं सबसे पहले कल्याण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस फिल्म में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और एक गेस्ट के कलाकार के रूप में काम करेंगे और हम लोग को बढ़ावा देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, और मैं आप लोगों से भी अपना फिल्म के लिए आशीर्वाद का कामना करूंगा कि आप लोग भी अपना आशीर्वाद प्यार दुलार हमको दें। और साथ ही साथ फिल्म का नाम बहुत ही खूबसूरत है, उस फिल्म का जो टाइटल है वो भी बहुत खूबसूरत है, फिल्म का नाम है प्यार नसीब से होता है। प्यार नसीब से होता है, ये बहुत ही अच्छी मूवी है, और मैं चाहूँगा आप लोग इस फिल्म को खूब अच्छे तरह से प्यार दुलार दें, और इस फिल्म को आगे और जो भी फिल्म आने वाली उस पर सपोर्ट करिए, लेकिन जो मेरा प्रथम फिल्म है उस पर पहले आप लोग पूरा प्यार दुलार दीजिए। क्या बात, अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से हैं, क्या नाम है, और फिल्म से कैसे जुड़े हैं, फिल्म में क्या कर रहे हैं, क्या किरदार? और सर जी, मेरा नाम आलम राज गोरखपुरिया है, मैं गोरखपुर मंडल महाराजगंज जिला से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक गायक भी हूँ और साथ ही साथ एक्टर भी हूँ, और इस फिल्म में मुझे मेन लेडी जो हीरो का रोल होता है वो मैं इस फिल्म में दिखाऊंगा, और साथ ही साथ हमारे जो भाई हैं सेकंड नंबर पे अशोक भाई हैं, और भी आर्टिस्ट हैं, अभी आप सबको मिलिएगा। जय हिंद, जय भारत। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे फिल्म से जुड़े हैं और क्या है फिल्म का कॉन्सेप्ट और आपका किरदार? नमस्कार आदाब, मैं अशोक कुमार कुशवाहा जो उत्तर प्रदेश कुशीनगर के जिले से बिलोंग करता हूँ। ये जो मूवी बन रहा है इसमें हमारे सर जी का बहुत बड़ा हाथ है, जो कल्याण जी हैं ये हमारे ऊपर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट के साथ पूरा साथ भी निभा रहे हैं, बट एक्टिंग करने से मना कर रहे हैं, पता नहीं कि उनके ऊपर डिपेंड है, बट हम लोग मैं सेकंड लीड में काम कर रहा हूँ, सेकंड हीरो के रूप में काम कर रहा हूँ। ये जो अगर कोई अगर फ्रेंड वगैरह कोई अगर काम करना चाहता है तो वो जुड़ सकता है और काम भी कर सकता है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ अगर आप आना चाहते हैं तो काम कीजिए, आप बेझिझक कीजिए, इसके लिए धन्यवाद। पहला फिल्म है जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है और फिल्म कहाँ कहाँ शूट होगी? कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश जिले में ही मतलब आजू बाजू में गोरखपुर में मतलब शूट मूवी होगी, और एक बेहतरीन मतलब पारिवारिक मूवी शूट होगी, ठीक है, बस इसी के ऊपर हम लोग डिपेंड है, उसी के ऊपर पारिवारिक पर मिली हम लोग बना रहे हैं। हीरो हीरो दिखाई दे रहे हैं, हीरोइन का हीरो ने मतलब बन चुकी है बट अभी आई नहीं है, जब आएगी तो आपके ऊपर होंगी तो आपके दिखा देंगे। अच्छा हीरो जी, आप कैसे जुड़े हैं इस फिल्म से? कल्याण जी से तो आप हमेशा जुड़े रहते हैं, साथ में काम करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो वाले भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूँ। इस फिल्म के माध्यम से आज ही मुझे पता चला है, जैसे कल थोड़ा सा एक झलक दिखाई थी भाई ने, पर ये काफ़ी प्यारी मूवी है, जैसे एक बनने स्टोरी जिसे हमने पढ़ाया था भाई ने, काफ़ी अच्छा है, एक फैमिली किरदार के ऊपर है और आज के जनरेशन के ऊपर है, जो कुछ हो रहा है उसके नहीं हो करके उसके लिए, और जो भाई हमारे गोरखपुर से आए हुए हैं उन सभी को मैं सल्यूट करता हूँ, और इनको आने वाले ये प्रोजेक्ट के लिए इनको मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ, और बाकी भाई के ऊपर है पूरा सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं उनको, सब में करते हैं और इनको भी बहुत करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। कल्याण जी, आप फिल्म से जुड़े हैं लेकिन आप फिल्म
बहुत अच्छा पूछा आपने सर। बेसिकली इसलिए नहीं, मैं मतलब बहुत ही प्यारा फिल्म है, मैं चाहता हूँ, मैं तो बस बहुत सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसमें नहीं करूँ, लेकिन जो नया प्रतिभा है, नया टैलेंटेड जो लोग हैं वो काम करें। मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत सारे काम, मेरा काफ़ी सारे मेरी फिल्म भी आने वाला है, काफ़ी सारे फिल्म मैंने साइन किया है। मैं चाहता हूँ हम जैसा शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर, उन लोग जगह नहीं छोड़ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ से ट्रेन होगा जो कल्याण जी ने अपनी जगह छोड़ा और नया प्रतिभा को अपनी जगह पे लाके खड़ा किया। गेस्ट अपीयरेंस में आप क्या गाना कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं या कुछ ऐसा ठुमका लगा रहे हैं किसी लड़की के साथ कुछ? गेस्ट अपीयरेंस में मैंने एक अगर गाने पे होता है तो गाने पे आएंगे, लेकिन एंडिंग में जो फिल्म की जो क्लाइमेक्स है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। उस क्लाइमेक्स में मैं एक हमारे देश की जो परंपरा है, देश के जो हमारी मित्रता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, उनकी जो दोस्ती है वो दोस्ती कैसे कायम रखना चाहिए, हिंदुस्तान के जो कल्चरल है उसको कैसे कायम रखना चाहिए, उसकी मैं एक मैसेज मैं देने के लिए मैं क्लाइमेक्स में आएंगे। और मेरे अंदर मैं जो कॉमेडी करता हूँ उस कॉमेडी भी आपको झलक आपको उसके अंदर देखने मिलेगा। और बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो जैसा होता है ना, शुरुआत बहुत प्यारा होगा, उसकी एंडिंग भी बहुत धमाल होगा और बेमिसाल होगा। तो धमाल करने के लिए एंडिंग में मैं आएंगे और आप सभी को मेरा झलक भी आपके उसके अंदर, उस फिल्म के अंदर नजर आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से फिल्म चुने हैं, फिल्म में क्या किरदार है, क्या आप कर रहे हैं फिल्म को? ऐसे तो इस फिल्म में जो फिल्म है, सबसे पहले तो मैं वीडियो देखने वाले और सभी दर्शक बंधुओं को मेरा नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे आदरणीय गुरुजी हर बात में बोलते हैं हर हर महादेव, तो हम भी इनके भक्त हैं और ये गुरुओं के गुरु हैं। तो इस फिल्म का नाम जो है प्यार नसीब से होता है, तो इसमें तीन लीड है, तीन हीरो हैं, तीन हीरोइन हैं, तो एक लीड में हम भी हैं, तो हम भी एक तौर से हीरो ही हैं, बाकी हमारे सजी पे डिपेंड करता है और हमें क्या बनाना चाहते हैं। लेकिन वैसे ये जो फिल्म बन रही है, अभी तक तो यूपी और बिहार के कलाकार जो भी निकलते हैं गोरखपुर मंडल से, तो वो दरअसल भाग के भोजपुरी में ही जाते हैं। तो हम लोग एक नई सोच के साथ हम लोग अपने गुरुदेव जी के पास आए कि सर हम गोरखपुर यूपी से हैं, आपका हमें सपोर्ट चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हिंदी काम करना चाहते हैं, हिंदी मूवी बनाना चाहते हैं। तो हमारे सर जी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं, और इनकी कृपा रही, इनका आशीर्वाद रहा, तो हमारी फिल्म इसके बाद जो बनेगी वो भी सर जी बनाएंगे OTT प्लेटफॉर्म के लिए। हाँ, तो कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए आपने कितना मेहनत किया है फिल्म को लेकर, एक्टिंग आप लोग हो? और सर एक्टिंग तो सर एक्टिंग तो वैसे तो मैं 9-10 से कर रहा हूँ, 2009-10 से एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन उधर गाँव में जो शो होता है उधर हम लोग करते थे, तो एक्टिंग में अब मान के चलिए जो भी यहाँ पे होगा तो प्यार नसीब से होता है, वैसे लव स्टोरी पिक्चर है, पारिवारिक पिक्चर है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक्शन वैक्शन ज़्यादा है, मारपीट धूम धड़ाका है, तो ये लव स्टोरी मूवी है, तो उसमें ये भी जो होगा रोमांटिक सीन आएगा तो आपको देखने को मिलेगा, जनता दल को देखने को। सर सर आप कैसे फिल्म से, आप अपने बारे में बताइए, नाम बताइए, कहाँ से हैं, फिल्म से कैसे? सर मेरा नाम राम निवास है, मैं महाराजगंज जिले से बिलोंग करता हूँ, सभी श्रोता और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम यहां पे सर जी के पास हम आए हैं, हम मूवी बना रहे हैं, अब उसके लिए हमने सर जी से बात की और बस सर जी के पास आए, बोले फिर तुम आ जाओ, हम तुम्हारी पूरा भरपूर मदद करेंगे। आज के में अगर ठीक है तो हमारे सबसे बड़े बॉस हमारे यही हैं जो हमारा पूरा भरपूर मदद कर रहे हैं, और हम कुछ कलाकारों अपने कलाकारों को लेकर के मूवी अपने देश से बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सर भोजपुरी फिल्म बनती है, और हम गोरखपुर मंडल से लेकर के आलम जी, अशोक जी और सोनू जी को लेकर के हम हिंदी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं जो यूपी से शुरू करते हैं। अब आप सबका यही दुआ और आशीर्वाद हो ताकि हमारी फिल्म प्यार नसीब से होता है फर्स्ट मूवी है, इसको आप सब लोग दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सब कलाकारों का मनोबल बढ़ाइए और हमारे सर जी को एहसास हुआ कि बार हमारे सर पर हाथ रखे रहें ताकि बार बार हमारा मदद करें। सर सर आप अपने बारे में बताइए, कैसे जुड़े हैं तुमसे? मैं आलमराज गुरुपुरिया का भाई हूँ और जो भी यहाँ आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, सब लोग मेरे परिचय के हैं, मेरे उससे संबंध रखते हैं पहले से, फैमिलियर संबंध है, और सर जी जो हैं हमारे गांव जवाहर क्षेत्र के हैं, इसलिए हम सर जी को और तमाम दर्शकों को नमस्कार करते हैं सबसे पहले। और मेरा नाम महमूद रजा है, मैं वैसे तो एक्टिंग नहीं करता हूं, लेकिन
स्टोरी वगैरह राइटिंग में थोड़ा सा मैं भी इंटरेस्ट रखता हूँ और कर भी लेंगे रखता हूँ। और सर जी जो आर्यन सर जी हैं इनके वजह से मैं यहाँ मुंबई आया हूँ, और चूँकि ये बहुत बड़े फैन हैं हमारे सर जी का, ये क्या बोलते हैं जाना कल्याण जी जाना कि बहुत बड़े फैन हैं, और हम भी कल इनसे मिले, हम भी फैन हो चुके हैं, और इनके बात और आशीर्वाद की वजह से हम चाहते हैं कि ये फिल्म फाइनल हो जाए और जो नया टैलेंट है जो यूपी का गोरखपुर मंडल का जो नया टैलेंट है उभर कर सामने आए और ये कलाकार निखर कर बॉलीवुड में अपना नाम कमाएं और अपनी मेहनत लगन से सबको इंजॉय कराएं। बस इसी आशीर्वाद और दुआ और आशीर्वाद के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और इस फिल्म के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, हम भी जुड़े हैं सर जी से इनका मदद करने के लिए, जितना भी हो सकता है मदद कर सकते हैं जिस माध्यम से। बेसिकली जो ये जो आप यूपी बिहार में आप देखते हैं ज़्यादा करके भोजपुरी फिल्म बनते हैं, लेकिन पहली बार कोई मतलब पहली बार नहीं बहुत बने हैं हिंदी फिल्म, लेकिन वहाँ के कलाकार मतलब यूपी बिहार के कलाकार हिंदी फिल्म भोजपुरी को छोड़कर एक हिंदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। मतलब भोजपुरी को छोड़ के हिंदी की तरफ, क्योंकि जिस तरीके से भोजपुरी में अश्लीलता, जिस तरीके भोजपुरी में डबल मीनिंग गाना, जिस तरीके से भौजी देवर देवर भौजी जिस तरीके से चल रहा है, और भोजपुरी के कलाकार जिस तरीके से अपने नाम कमाने के लिए और अपने यूट्यूब पे व्यूवर्स कमाने के लिए अपने यूट्यूब पे गाना को मतलब चर्चे में आने के लिए जिस तरीके से नीचे स्तर में जाके इन लोग अपने काम कर रहे हैं, अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं और साथ में गंदगी को मचा रहा है, तो ऐसे कलाकार ऐसे सिंगर को मैं खाली इतनी बोलना चाहता हूँ, आपके शहर में आपके बंदे अच्छे काम कर रहे हैं और आपको टक्कर भी देगा ये तमाम जो काम करने वाले हैं असली गाने वाले, आप तो स्टार तो बन जाओगे लेकिन आपके नाम के आगे एक अश्लीलता बोल के एक धप्पा टाइटल टैग आपके आदर चला जाता है, आप कितना कमा लोगे, लेकिन आपके परिवार आपके बच्चे और आपके लोग अगर देखते हैं तो देखते हैं वो मतलब इतनी गंदी आजकल चल रहा है, जिस तरीके से पिछले दिन में जिस तरीके से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री सामने आया था फेसबुक लाइव किया था, चाहे वो एक ही मतलब खेसारी का कुछ हुआ था बहुत बड़ा पंगा, उसके बाद से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री सामने आया था, आपने फेसबुक लाइव किया था, क्यों आया? अगर आप गलत नहीं होते तो आप नहीं आते, गलत है इसलिए सफाई देने के लिए आप सामने आए। तो ये चीज़ को हमें देखते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री को देखते हुए भोजपुरी कलाकार हिंदी में आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और गोरखपुर से है और गोरखपुर ऐसे एक जगह है जहाँ पर गोरखनाथ जी का बसवास है, हम सबके हिंदू है मुसलमान है कोई भी है सभी के एक जगह ऐसे जगह है जहाँ पर सब मिलके वो रहते हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म वहाँ पे उनका बसवास है, उनकी वहाँ पे मठ है। इसके अलावा जिसको हिंदी से आए भोजपुरी में आज जो कलाकार जो बड़े कलाकार हम सबके चहेते कलाकार रवि किशन वो आज एमपी है वहाँ से, और उसके बाद एमपी के साथ साथ आज हिंदी और भोजपुरी में छाप छोड़ने वाला एक अच्छे कलाकार रवि किशन भैया हमारे बड़े भैया वो वहाँ का एमपी है, तो बहुत सारे चीज़ गोरखपुर से जुड़ा हुआ है, एक तार जुड़ा हुआ है, एक सांस्कृतिक हमारे परिवार हमारे यूपी के कल्चर बहुत जुड़ा हुआ है। तो मैं सिर्फ इतने बोला यूपी के सरकार से मैं इतने बोलना चाहता हूँ, अच्छी फिल्म बना रहा है, आप सब्सिडी हमें देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत जल्द इसके बाद और भी फिल्म हम बनाएंगे यूपी में, तो यूपी वासियों को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है, आपकी भाषा को मैं नमन करता हूँ, आपको मैं नमन करता हूँ, और हम आ रहे हैं गोरखपुर नेक्स्ट मंथ आप सभी को मिलने के लिए, काम करने के लिए हम उत्साहित हैं काम करने के लिए, और किसी कोई भी व्यक्ति काम करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ वो काम कर सकते हैं, मुलाकात करिए आप गोरखपुर मंडल से, आप मुलाकात करोगे तो आप काम मिलेगा, और आप यूपी से भाग के आप बॉम्बे आप चल के आते हैं पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन बॉम्बे से यूपी जा रहे हैं गोरखपुर, ये बहुत बड़ी बात है, काम करिए। थैंक यू सो मच, तमाम मेरे जो मित्रगण हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ, मैं मीडिया को मैं नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ वो तमाम चैनल के दर्शकों को जो देखते हैं आप सभी को। बॉलीवुड बातें आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बहुत ही प्यारा चैनल है, उसको लाइक कीजिए, और इसके अलावा बॉलीवुड बातें की वेबसाइट को आप ज़रूर आप उसको लाइक कीजिए, और साथ में उसकी जो फेसबुक पेज है उस पेज को आप लोग लाइक कीजिए, और इसकी जो एडिटर है हमारे कसिम हैदर साहब उनको आप आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम, मेरे भाई मिलन जाना को मेरा प्रणाम,
जो बॉलीवुड बातें में नया नया एंट्री हुआ उनको मिलन जाना, आपको मेरा प्रणाम। इसके साथ साथ में वीरू जैन हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनको मेरा दिल से मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल, जय श्री राम, नमस्कार।